मशीन में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र ओझा। खबर की शुरुआत अजमेर से करते हैं। अजमेर आरपीसी के समक्ष स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के नव चयनित व्याख्याताओं का धरना आज सोमवार को 14वें दिन भी जारी रहा। राजस्थान के विभिन्न जिलों से सैकड़ों की तादाद में महिला एवं पुरुष नव चयनित व्याख्याता धरना स्थल पर पहुंचे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों ने आरपीसी के समक्ष होकर सरकार और आरपीसी से नियुक्ति की भीख मांग प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इससे पूर्व नवचयनित व्याख्याताओं द्वारा मुर्गे बंद तो कभी आरपीसी की सब यात्रा निकाल अलग अलग प्रदर्शन किए जा चुके हैं, लेकिन नवचयनित व्याख्याताओं की सुनवाई सरकार ने अभी तक नहीं की है। नवचयनित व्याख्याताओं का कहना है कि एक महीने पूर्व बीकानेर निदेशालय में काउंसलिंग करवा स्कूल तक आवंटित कर दिए, लेकिन नियुक्ति का सपना अभी अधूरा है। आपको बता दें कि राजस्थान बेरोजगारों की मांग सरकार के द्वारा समय पर पूरी नहीं करने पर नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान की शुरुआत भी राजस्थान एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में बेरोजगारों ने राजसमंद से कर दी है। इसको लेकर आगामी 10 मार्च को बेरोजगारों की रैली सुजानगढ़ में निकाली जाएगी। उपेन यादव का कहना है कि राजस्थान में बेरोजगार निराश हैं, भर्ती समय पर नहीं हो रही है, लगभग भर्ती कोर्ट में उलझी पड़ी है। अब बेरोजगार युवा राजस्थान में 4 सीटों पर होने वाले आगामी उपचुनाव में कांग्रेस का सुफड़ा साफ करेंगे। धरना स्थल पर बैठे नव चयनित व्याख्याताओं का कहना है कि जब तक नियुक्ति आदेश जारी नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। सब यात्रा निकाली आज बी की बैठक आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाएं आज बी की मांगती है बड़े श्रम की बात महिलाओं के विकास के लिए महिलाओं से हमदर्दी राजनेता जताते हैं। असली तोहफा आज है, यदि हमदर्दी है तो आज आदेश जारी करके महिलाओं को आज तोहफा दे, इससे बड़ा तोहफा नहीं होगा। ये चयनित है, योग्यताधारी है, उन्होंने मेहनत की है और उनका नंबर आया है तो आज जॉइनिंग आदेश करना चाहिए। और हमने स्पष्ट कहा है कि हमारी मांगे नहीं मानी, 4 जगह विधानसभा उपचुनाव हम वोट नहीं देंगे, खिलाफ प्रचार होते हैं, 4 सुखड़ा साफ कर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करके वो हमारे अभिभावक हैं, उनके बच्चे हैं, वो सुने